बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। डीपीसीएम के हवाले से जो नई अपडेट हुई है उसमें सोमवार 19 अप्रैल से सूबा कंपनियां रेड जोन से निकलकर संतरी जोन में यानी अरंचोने जोन में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा सूबा वालेदियोस्ता, सूबा सरदेनिया, सूबा पुलिया, ये तीनों सूबे जो हैं ये रेड जोन में रहेंगे। फिलहाल इस वक्त तक यानी सोमवार 19 अप्रैल से लेकर कोई भी सूबा जो है वो येलो जोन में नहीं होगा, बाकी सारे जो हैं वो संतरी जोन यानी अरंचोने जोन में रहेंगे। 26 अप्रैल से बड़ी हद तक क्या असर आई, जैसे पहले भी थी, शायद इस सोमवार से येलो जोन हो जाता, लेकिन अभी तकरीबन मैक्सिमम जो क्या असर आई आ रही है वो 26 अप्रैल से बहुत सारे इटली के सूबे जो हैं वो येलो जोन में दाखिल होने जा रहे हैं। और इस तरह 26 अप्रैल से म्यूजियम, थिएटर, रेस्टोरेंट, सिनेमे और स्कूल जो हैं वो खुलने की, जहां पे येलो जोन होंगे वहां खुल जाएंगे, स्कूल खोलने की भी इजाजत होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यूरोपीय यूनियन का जो मैंने आपको कानून बताया था ग्रीन पास वाला, वही इटली की गवर्नमेंट ने भी अभी उसी को लागू करने जा रही है। जैसे 30 जून तक यूरोपीय यूनियन जो है ये ग्रीन पास का कानून जो है उसको फाइनल कर लेगी, और जिन लोगों को दो मैक्सिमम डोज लग चुकी होंगी ये अपनी वैक्सीन की, उनको ये ग्रीन पास मिलेगा। और इस ग्रीन पास के जरिए आप इटली के अंदर भी एक सूबे से दूसरे सूबे सफर आसानी से कर सकेंगे, लेकिन ये जुलाई में जाके आने जा रहा है। तो ये आज तक की कोविड के हवाले से अपडेट थी। चलते हैं अगले सेशन में, जो कि आज काफी सारे बोनस के हवाले से है। तो आपसे गुजारिश है, ब्राय करम आप भी प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम भाइयों तक ये मालूमात पहुंचती रहें।